when we talk about spoken or written English, especially when we are talking about school, आप लोग सभी स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, एक चीज नोटिस करना आप कि जितनी भी इंग्लिश आप बोलते हो या पढ़ाते हो बच्चों को, मैक्सिमम ऑफ दैट इंग्लिश, मेजर पोर्शन ऑफ दैट इंग्लिश बिलोंग्स टू ओनली दो टू टेंसेस, एक सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट जिसको हम बोलते हैं, एक सिंपल पास्ट। क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हो या तो आप कुछ पास्ट का पढ़ाते हो या आप जो होता है उसका पढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ क्लास में जाके आप बच्चों को, अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में हम लोग क्या पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक आप लेके देख लो, सपोज इंजन की बात करूँ, इंजन में पेट्रोल डलता है, फिर कम्बस्चन होता है, फिर गैस रिलीज होती है, फिर पिस्टन ऊपर नीचे होता है और पहिया घूमता है, सारा कुछ होता है ना। तो ये सारा का सारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही आता है। अगर सपोज मैं कंप्यूटर की बात करूँ, हम बच्चों को सिखाए बेटे कंप्यूटर ऐसे ऑन होता है, फिर ये विंडो दिखती है, फिर ये फोल्डर आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, फोल्डर के अंदर जाते हैं, फाइल बनाते हैं, सारा कुछ क्या कह रहे हैं हम लोग, होता है सारा का सारा प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही बात कर रहे हैं। कोई भी आप हिस्ट्री की बात करोगे, पास्ट के इवेंट्स बताओगे, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हो, कहानी पढ़ा रहे हो, कहानी आप पढ़ा चुके हो, उसके बाद जब आप बच्चों से बात करोगे तो पास्ट की बात करोगे, बेटा कहानी में क्या हुआ था, उसने क्या कहा था, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, वो कहाँ गया, कैसे बनाया, किसको बुलाया, ये सब पास्ट इंडेफिनेट आता है। फ्यूचर का यूज बहुत कम हम लोग करते हैं, बट मेनली अगेन आई एम सेइंग जो टेंसेज हम लोग यूज करते हैं पढ़ाते टाइम वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट मेजोरिटी शेयर उसका लेके जाते हैं। और अगर इन दो टेंसेज पे आप लोग मास्टरी कर लो तो आप बच्चों को एटलीस्ट करेक्ट इंग्लिश सिखा पाओगे। आज भी डू लगना है या डज लगना है उसमें कन्फ्यूजन है, वाइल स्पीकिंग आई नोटिस कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डू लगाना है कि डज लगाना है, एस और यस लगना है वर्ब के साथ के नहीं लगना है, कन्फ्यूजन है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है कि सेकेंड फॉर्म लगनी है, अभी तक कन्फ्यूजन है, आई डिडंट प्लेड, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम लोग अपने आप को सही तरीके से ये चीज़ समझा लें, सिखा लें, प्रैक्टिस कर लें इसकी अच्छे से कि क्या चीज़ किस टेंस में यूज़ होने वाली है, तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद भी बहुत बढ़ जाएगा और बच्चों को भी हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सिखा पाएंगे। तो आई विल बिगिन विद दिस ओनली, बेसिक सेंटेंसेज जनरली एवरीबडी स्पीक्स गुड, प्रॉब्लम्स आर देयर विद दीज टू टेंसेज ओनली, तो विल बिगिन विद दिस ओनली एंड विल कंटिन्यू विद द अदर्स लेटर ऑन एज पर द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो आप लोगों को जो चीज़ एक जाननी है ना, दैट इज द काइंड ऑफ प्रोनाउंस जिसको हम पर्सन में लेते हैं। जब भी हम बातचीत कर रहे हैं या अगर आप लिखोगे भी तो टेंसेज में पर्सन बहुत मैटर करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इट इज़ देयर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। और उसका बड़ा क्लियर सा, बहुत ईजी सा तरीका है पता करने का, इट इज़ लाइक आई सेड बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, बातचीत। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ इस टाइम पे, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ओके, अब मैं एक जना बोल रहा हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा अपने लिए, आई, ठीक है, हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, राइट, तो मैं अपने लिए आई बोलूंगा। और अगर मैं हम सब की बात करूं, हम सब बात कर रहे हैं तो वी, राइट, जो भी बोल रहा है, जब भी हम कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, जो भी बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, वो एक भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट।
तो आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। प्रोनाउंस के और भी बहुत सारे काइंड हैं, हम उस पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजेबल प्रोनाउंस हैं जो हमारी डेली लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं उन पर बात कर रहे हैं। राइट, नाउ कम्स द सेकेंड पर्सन। ये वो होता है जो बातचीत का पार्ट है, जो सामने बैठा सुन रहा है, बोलने वाले की, बोलने वाला जो जिसको बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो सेकंड पर्सन हो आप। कम्युनिकेशन के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के लेवल के हिसाब से हम इसको बोल लेते हैं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही तो है जो बोल रहा है, उसकी वजह से ही कन्वर्सेशन हो रही है। अगर वो नहीं होगा तो कन्वर्सेशन नहीं है। राइट, बट वो बोलेगा किसे, दीवारों से थोड़ी बोलेगा। सामने वाला जो है, अगर वो बैठा होगा सामने कोई उसके साथ बातचीत करने वाला, तो ही वो कन्वर्सेशन पॉसिबल है। इसलिए सेकंड नंबर पे आता है जो पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, सामने वाला। यू, यू के प्लूरल में किसी को डाउट क्या होता है? डाउट है, देखो यू का प्लूरल भी सेम ही है। राइट, नो चेंज। अब जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंस के लेवल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? जो है नहीं यहाँ पे, थर्ड पर्सन, किसी की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अभी जो बाहर गार्ड है, स्टूडेंट्स हैं या सर वहाँ बैठे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। दे आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कन्वर्सेशन। एक्टिवली सिर्फ इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो यहाँ पे दो ही लोग हैं जो एक्टिव हैं, बाकी पैसिव हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट इवन लिसनिंग टू अस, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस कन्वर्सेशन, तो वो होंगे थर्ड पर्सन। इसमें अगर लड़का है तो क्या यूज करेंगे? ही, लड़की है तो she. और चीजें और जानवर और न्यूट्रल जेंडर जिसको हम बोलते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं इट। छोटे छोटे जानवर को भी इट से यूज करते हैं हम लोग, लाइक डॉग की बात करते हैं, डॉग को ही शी नहीं बोलते हम लोग, इट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सब का प्लूरल क्या है? ये सारे के सारे सिंगुलर, and they is plural of all these, right? So this is the very basic thing for conversation which you people should be knowing it, because जो आप लोगों की गलतियाँ होती हैं present simple present में, present indefinite में बोलते time या लिखते time, वो इसी की वजह से होती हैं, क्योंकि इसी के basis पे आपको decide करना है कि आप s और yes लगाओगे या नहीं लगाओगे verb के साथ। इसी की basis पे आप decide करोगे कि आपको डू लगाना है कि डज लगाना है, डोंट लगाना है कि डजंट लगाना है, क्वेश्चन डू से पूछना है कि डज से पूछना है, वहीं सारी की सारी कंफ्यूजन है। और इट इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, बड़े आराम से आप लोग समझ भी सकते हो, उसको लॉन्ग टर्म तक कैरी भी कर सकते हो, कभी भूलोगे भी नहीं, बट फोकस करना पड़ेगा। अभी तक अगर नहीं सीखा तो जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि कितनी की बड़ी रॉकेट साइंस है ये, कितने के टफ फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री है या लॉगरिथम है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा। ओके, नाउ आई विल कम टू द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये पर्संस बहुत काम आने वाले आपके जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करूंगा। राइट, सो वेरी फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है क्या, ये बला क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट? प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग वो बातें बोलते हैं या लिखते हैं जो रूटीन वर्क है हमारा, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो हम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, नहाते हैं, ये सारा का सारा क्या है? रूटीन है हमारी, और सारी की सारी रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही कवर होती है। इसके अलावा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स जैसे पानी नीचे को बहता है, सूर्य पूर्व से होता है, कुछ भी है, वो सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसी टेंस में आते हैं। तो अगर आप लोग जो हमें हमारे टाइम पे सिखाया जाता था, ता है, ते है, ती है, ता हूँ, वो काम की चीज़ थी, बट उसको माइंड में रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, ता है,
तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस ही होता है। ता है, कितना ज्यादा मैं बातचीत में इसको यूज कर रहा हूं अभी, ये आप लोग नोटिस कर सकते हो। और अगर बेसिक्स इसके अच्छे से हम लोग सीख लें तो हमारी इंग्लिश बेटर हो जाएगी डेफिनेटली।